నా పేరు ఎసముద్దీన్ ఫారూఖ్. నేను మా బావ నిన్న గ్రీన్ లైన్కి వెళ్ళాను. వెళ్ళి షవర్మా తిన్నాం. తిన్న తర్వాత ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోయింది. సో నిన్న రాత్రి నుంచి వామిటింగ్స్, మోషన్స్, ఫీవర్ కంటిన్యూస్గా అవుతుంది. సో దానివల్ల లైక్ షవర్మా తిన్న తర్వాత హెల్త్ ఎట్లా అయింది, ఇంకా మాతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా అక్కడ తిన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే జీకే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ ఉన్నారు. ఇంకా వేరే మా తమ్ముడు చెప్పిండు, ఇంకా కొందరు రత్నాకర్ రెడ్డి హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నారు కొందరు. సో యూ నీడ్ టు టేక్ సమ్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ అగైన్స్ దెమ్, లైక్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి అది వాళ్ళ దగ్గర. मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है. माइकल जो है 9 3 9 से जो है शवरमा लेकर आया था. ये हमारे बच्चों को जो है फैमिली है, मेरा लड़का है, लड़की है, मेरा वाइफ है वो. तो लाने के बाद जो है खाए ये लोग. खाने के बाद जो है रात भर जो है सो वॉमिटिंग एंड जो है सो मोशंस किए हैं और तेज़ बुखार थी. इस पर जो है आप लोग बुखार आने के बाद कहाँ पर है, क्या है अभी, कहाँ पर है बुखार आने के बाद हम यहाँ जहाँ पर ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट है. हमारा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वाइफ है मेरी. तो एडमिट है हम लोग यहाँ पर और जो है सो ये बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और ये गजाएँ ठीक तरह से नहीं है लोग की जो है. अगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं की गई तो हम लोग एक्शन लेना पड़ेगा. अब जाइए, जाकर देखिए, अगर ये लोग बार बार अगर इसी तरह करते रहेंगे तो हम जो है इनका लाइसेंस हर हाल में कैंसिल कराएंगे. क्योंकि ये लोग ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की, सिर्फ पैसा कमाना मकसद है इनका. मैं खुली वार्निंग दे रहा हूँ, खुली वार्निंग दे रहा हूँ मैं. अगर कुछ ऐसा हुआ मैं खुद आके ऑब्जर्वेशन करूँगा. अगर वैसा कुछ रहा तो म्यूनसिपल चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं खुद लेके आऊँगा. बराए मेहरबानी आप सही सफाई का ख्याल रखिए. आप होटल में सफाई का ख्याल रखिए. लोग आते हैं पैसे दे के बीमार होना का मकसद नहीं रहता, लेकिन पैसे दे लेके लोगों को बीमार कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए. अगर आइंदा से रहा, आइंदा से अगर कुछ हुआ तो मैं खुद जो है बैठ के कमिश्नर के पास लाइसेंस कैंसिल करना लगा. ठीक है.